गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को होना है और वोटिंग से कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने गुजरात के लोगों के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। 26 नवंबर को बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की है, जिसमें बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस युवाओं पर रहा। बीजेपी ने 5 वर्षों में गुजरात के युवाओं को 20 लाख नौकरी देने का वादा किया है। तो आइए जानते हैं कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किसके लिए क्या रखा है। किसान इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10,000 करोड़ रुपए, सिंचाई सुविधाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपए, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में 2 सी फूड पार्क, पहला ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी की सिफारिशें लागू, महिलाओं को 5 साल में 1 लाख रोजगार, सभी मजदूरों को 2 लाख का गारंटी लोन, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 2500 करोड़, गौशालों को बेहतर बनाने के लिए 5,000 करोड़, 9वीं से 10वीं कक्षा तक की छात्राओं को मुफ्त साइकिल, फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, छात्राओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी, 5 साल में 20 लाख रोजगार, देवभूमि द्वारका कॉरिडोर। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में गुजरात की सुरक्षा को भी महत्व दिया और उसके लिए बीजेपी राज्य में एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाएगी ताकि संभावित खतरों की पहचान की जा सके और उस खतरे से पहले ही निपटा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया डिजिटल।